वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस ब्राइटनिंग नाइट क्रीम। तो कुछ इस तरीके से बॉटल में ध्यान इसके ऊपर जो भी सिल्वर बॉक्स है उसमें मुझे रिसीव हुई थी। तो कुछ इस तरीके से इसका जो ओवरऑल लुक है वो कुछ इस तरीके से बॉटल का मिल जाएगा। तो ये हो गई पैकेजिंग की बात। अब प्रोडक्ट की बात करूँ, डे के लिए आप कोई भी क्रीम या कुछ भी लगा ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाइट के लिए आपको परफेक्ट प्रोडक्ट चाहिए होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि नाइट में आपको 6 to 7 hours मिलते हैं कि आप अपने स्किन को इम्प्रूव कर सके, उसमें डेवलप कर सके, उसको रिपेयर करने का अच्छा टाइम है वो हमें नाइट में मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से नाइट में है वो हमें सही प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हम हमारी स्किन को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाए। तो उसके हिसाब से मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद इस प्रोडक्ट को है वो फाइनल किया है और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। 1 month जितना हो गया है मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट है वो इसका मिला है। तो मैं आपको इसे हाथ में अप्लाई करके दिखा देती हूँ। तो देखिए इतनी क्वांटिटी में पूरे हैंड में अच्छे से है वो लग गया है। तो देखिए तो कुछ इस तरीके से अच्छे से हैंड में एब्जॉर्ब हो जा रहा है। मैं आपको इस क्रीम का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से वो थोड़ा सा पिंकिश शेड है। और देखिए तो इतनी क्वांटिटी मैंने यूज़ की है 1 month जितना हो गया है। तो ओवरऑल ये बॉटल जो है वो आपके 3 to 4 months तक इजीली चलने वाली है, क्योंकि काफ़ी कम में चाहिए होती है। और देखिए तो आप हैंड पे कितने अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है और आप देखें तो बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़े हैं। तो जो क्रीम जो भी कोल्ड क्रीम है वो व्हाइट कास्ट नहीं छोड़े वो बहुत अच्छी है, और जिस भी क्रीम में व्हाइट कास्ट छोटे तो समझ लीजिए वो क्रीम बढ़िया नहीं है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात यही है कि इसमें बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ रहे, इजीली अपने स्किन में वो पूरी एब्जॉर्ब हो जा रही है और बिल्कुल भी देखे तो चिपचिपी नहीं है। अब कई लोग मुझसे पूछने वाले हैं कि क्या ये ऑयली स्किन वालों के लिए सुटेबल है, क्या ये ड्राई स्किन वालों के लिए सुटेबल है। तो यस, ये ड्राई स्किन वालों के लिए सुटेबल है। उनके लिए सुटेबल क्यों है, तो क्योंकि स्किन को है वो मॉइस्चराइज करेगी। तो ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट होने वाला है। ऑयली स्किन वाले इसे ले सकते हैं कि नहीं, तो यस डेफिनेटली। देखिए तो आप जैसे मैंने एब्जॉर्ब लगाया तो स्किन ने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है, बिल्कुल भी ऑयल है वो नहीं छोड़ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा नहरस कर रहा है। तो आप चाहे देन डेफिनेटली ऑयली स्किन वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट होने वाला है, देन आप चाहे देन डेफिनेटली ले सकते हैं। अब बात करो कॉम्बिनेशन स्किन की, तो मेरी स्किन है वो कॉम्बिनेशन स्किन है और मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा है वो इसका जो भी है रिस्पॉन्स अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि पिंपल के जो भी डार्क स्पॉट होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे इम्प्रूवमेंट लगी। उसके अलावा हमारे स्किन को है वो मॉइस्चराइज करता है पूरी नाइट ओवरनाइट, देन हमें एक अच्छा सा ग्लोई सा लुक देता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके बेनिफिट है। अगर पॉइंट की बात करूँ 10 में से तो मैं इसको 9 points दूंगी। 1 point माइनस इसीलिए क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ब्राइटनिंग स्किन, लेकिन ये हमारे स्किन का कलर चेंज नहीं करता है, ये हमारे स्किन को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है, ग्लो देता है, डार्क स्पॉट वगैरह को कम करता है, लेकिन ये हमारे स्किन कलर को चेंज नहीं करता है। तो इस वजह से मैं इसको 1 point कम दे रही हूँ 10 में से। ओवरऑल प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप चाहे जाए डेफिनेटली ले सकते हैं। और नाइट में क्या होता है कि हमें 6 to 7 hours मिलते हैं कि नाइट में हमारे स्किन को है वो अच्छे से रिपेयर कर पाए, तो उस हिसाब से ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा सही है। आप अपना जो भी फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं उसे यूज़ करके नाइट में आप इसे अप्लाई करके फिर सो जाएंगे तो पूरी नाइट में बहुत अच्छे से ये पूरी वर्क करेंगी। मैं तो कभी कभी डे में भी लगा लेती हूँ क्योंकि मेकअप से पहले, क्योंकि कोई भी क्रीम हो 6 to 7 hours तक ही आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, उसके बाद ज़्यादा नहीं कर पाती कोई भी क्रीम हो। तो मैं कभी इसको इवनिंग में मेकअप करना होता है तो पहले इसको लगा लेती हूँ, देन आफ्टर में मेकअप करती हूँ। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा रिस्पॉन्स है वो मिल रहा है क्रीम का, देन आप चाहे डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हैं। इसका जो लाइफ लाइन है वो मैन्युफैक्चरिंग डेट की 2 साल तक है, तो नॉर्मली आपका इजीली चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और 4 to 5 months आपका इजीली ये पूरी बॉटल है वो चलने वाली है। प्राइस कितने हैं टैग पर मेंशन कर दूंगी, प्रोडक्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके प्रोडक्ट चेकआउट कर सकते हैं। मैंने ये प्रोडक्ट अमेजोन से लिया हुआ है तो ऑफर में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट में मिल जाएगा। मार्केटिंग प्राइस इसकी 425 है, लेकिन ये मुझे 300 something में ही मिला है। तो आप ऑनलाइन लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट में मिलने वाला है। तो ये रहा हमारा ऑनेस्ट वीडियो, होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्सअप कर लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए, साथ में बेल आइकन हिट कर दीजिए। उससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी आपको उसकी नोटिफिकेशन है वो तुरंत रिसीव हो पाएगी और आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं हो पाएंगी। तो चलिए देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।